हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस मैगी सर हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन रिलेटेड टू द लेंस मेकर फार्मूला। अब हम लेंस मेकर सूत्र पर आधारित अनुप्रयोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जैसे कोई तुई उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी एफ ए है और अपवर्तनांक ए म्यू जी इक्वल्स टू म्यू, ठीक है ना। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इसको ए बी के अनुदिश काट दें, ठीक है, और सी डी के अनुदिश काट आ जाए, जब लेंस ए बी सेकंड सी डी के अनुदिश काट दें तो फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है ना, तो देखते हैं इसकी सामान्यतया फोकस दूरी दो उत्तल लेंस है, इसकी वक्रता त्रिज्याएं समान है, R1 R2 इक्वल टू R है। तो चेक करते हैं इसका, पहले फोकस दूरी तो हो जाएगा a म्यू जी माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, और आप जानते हैं कि उत्तर के लिए R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव होता है, तो ये प्लस R हो जाएगा और ये माइनस R हो जाएगा। तो चेक करते हैं, वन बाई एफ ए इक्वल टू म्यू माइनस वन वन बाई आर प्लस का और ये माइनस का R, तो म्यू माइनस वन इंटू टू अपॉन R आ जाएगा, वन अपॉन एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू R अपॉन टू म्यू माइनस वन, ये आ गई वायु में फोकस दूरी। अब चेक करते हैं, जब इसको हम ए बी और सी डी के अनुदिश काटेंगे तब क्या होगा, देखिएगा। पहला केस है ए बी के अनुदिश, जब इसे ए बी के अनुदिश काटा जाए तो ये हो जाएगा ऐसे या ऐसे। इस केस में आर वन का मान प्लस आर है, लेकिन आर टू समतल हो गई तो अनंत, या यहाँ R1 अनंत हो गई और R2 का मान समतल हो गया माइनस, R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव। तो सूत्र के हिसाब से अब फोकस दूरी मान लेते हैं, ऐसे काटने पर F डैश होगी, तो F डैश A म्यू जी माइनस वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू, या A म्यू जी माइनस वन वन बाई इन्फिनिट माइनस वन बाई माइनस आर, ठीक है ना। हमने दोनों ही केस ले लिए हैं, ये या a म्यू जी माइनस वन वन बाई इन्फिनिट माइनस वन बाई आर, ये इसके भी बराबर होगी या इसके भी बराबर होगा। तो वन अपॉन एफ डैश इक्वल टू ए म्यू जी माइनस वन वन बाई आर, ये जीरो रहेगा, ये प्लस वन बाई आर यही रहेगा। तो एफ डैश इक्वल टू आर अपॉन ए म्यू जी का मान रख दीजिए म्यू माइनस वन, और इसका मान जो हमने निकाला था उसके हिसाब से ये हो जाएगा 2FA। तो अब ऐसे काटने पर इसकी फोकस दूरी जो होगी वायु की फोकस दूरी की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। और जब हम इसे CD के अनुदिश निकालेंगे CD के अनुदिश, तो CD के अनुदिश काटने पे ये लेंस कुछ इस तरह का रहेगा, ये या तो इसमें वक्रता त्रिज्याएं दोनों में ही वही होंगी, R1 और R2 प्लस R और R2 माइनस R। तो इस केस में फोकस दूरी मान लेते हैं डबल डैश हो जाएगी, ए यू जी माइनस वन वन बाई आर माइनस वन बाई माइनस आर, दोनों ही केस में यही रहेगा। तो वन बाई एफ डबल डैश इक्वल टू ये म्यू माइनस वन टू अपॉन R, तो एफ डबल डैश इक्वल टू R अपॉन टू म्यू माइनस वन, यही एफ ए के इक्वल था। तो फोकस दूरी ऐसी स्थिति पे काटने पर अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता घट जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि अब आधा लेंस काम करेगा और फोकस दूरी जो थी वो जैसे थी वो वही रहेगी, लेकिन इसकी लेंस की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, पहले से घट जाएगा जब इसको ऐसे काट देंगे। तो ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी तो इस केस में यानी सी डी के अंदर काटने पर अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता अर्थात लेंस की तीव्रता
घट जाएगी।